फिफ्थ रिवीजन सीरीज में पहला पार्ट हमने चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का किया था, कि सारे नोट्स हमने प्रिपेयर कर लिए थे। आज हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं पिछले 8-10 साल में, उनको हम सोल्व करेंगे, ठीक है, वेदर इज 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द इंपोर्टेंस ऑफ क्रायोप्रिजर्वेशन इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बेटा मैंने आपको बताया था क्रायोप्रिजर्वेशन क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर जब प्रिजर्व किया जाता है देन इट इज नोन एज क्रायोप्रिजर्वेशन। और क्रायोप्रिजर्वेशन का बेनिफिट या उसकी इंपोर्टेंस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो गैमेट्स हैं, जो थ्रेटेंड स्पीशीज हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो थ्रेटेंड स्पीशीज हैं जो नियर एक्सटिंक्शन है, उनके पोलन ग्रेन्स को, उनके गैमेट्स को वहां पे स्टोर कर लिया जाता है, जिससे कि वो लंबे टाइम तक अवेलेबल रहे और बाय दैट टाइम उनका नंबर इंक्रीज किया जा सके। जो थ्रेटेंड स्पीशीज हैं उनके गैमेट्स, उनको प्रिजर्व किया जाता है वाइबल और फर्टाइल कंडीशन, जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व की जा सके। क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी का डायग्राम इसी तरह का है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, ये लार्ज ग्रुप फिशेज का हो गया कंट्रीब्यूट्स 50%, उसके बाद एवीज हैं, रेप्टाइल्स हैं, तो आपको ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। तो ए बेटा हमारा हो जाएगा मैमल्स, ये एनसीईआरटी का क्लियर का डायग्राम है, और बी हो जाएंगे हमारे एम्फीबियंस। दो ही ग्रुप बचे हमारे वर्टिब्रेट्स के, तो एम्फीबियंस एंड मैमल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंटेड बाय मैंग्रोव। एंड उसी ग्रुप में कौन सा दूसरा एग्जांपल हो सकता है? देखो मैंग्रोव्स क्या है, स्पेसिफिक एरियाज हैं, राइट, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज एग्जांपल ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसी तरह जो रेन फॉरेस्ट है, वेटलैंड्स हैं, कोरल रीव्स हैं, वो बाकी दूसरे एग्जांपल्स हैं, आप इनमें से कोई भी यहां पर लिख सकते हैं। Then question number 4, why tropical environment support greater species diversity? बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था कि ये इक्वेटर है, ये इधर पोल्स हैं, इक्वेटर पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलती है, पोल्स की तरफ जाते हैं तो वो डिक्रीज करती है, राइट। इसी तरह जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पर भी जो सीजनल वेरिएशन हैं वो कम होते हैं, कॉन्स्टेंट एटमोस्फेयर होता है और प्रेडिक्टेबल होता है, इसीलिए वहां पे निश स्पेशलाइजेशन और ग्रेट स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो दो मेन कंडीशंस हो गए, दो मेन रीजंस हो गए कि लेस सीजनेबल वेरिएशन, सॉरी रीजनेबल कर दिया मैंने, लेस सीजनेबल वेरिएशंस, और दूसरा यहीं से देख लेते हैं, और कांस्टेंट एनवायरनमेंट, ठीक है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट जेनेटिक डाइवर्सिटी, व्हाट डज जेनेटिक डाइवर्सिटी रिफर्स टू एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लार्ज जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखो बच्चों जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? वेरिएशन इन जीन्स विद इन अ स्पीशीज, ठीक है। तो जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी उतना सक्सेसफुली ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस और रेस्पॉन्ड कर पाएंगे नेचुरल सिलेक्शन के टुवर्ड्स भी। तो जब वेरिएशन होता है वो सर्वाइवल एडवांटेज देगा, तो उससे क्या होगा? उससे होगा स्पेशिएशन, नई स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड स्पेशिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, क्लियर। तो स्पेशिएशन और इवोल्यूशन हो जाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये 2 मार्क क्वेश्चन है बेटा, यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर में कहां-कहां पे उसको कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए इंक्रीज पॉपुलेशन के साथ साथ हमारी डिमांड्स बढ़ गई हैं फूड, फाइबर और बाकी सारे प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे फूड है, फाइबर है, मेडिसिन है, दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, वो इजिली हमें मिल जाएंगे। जो वाइल्ड वेराइटीज है प्लांट्स की, उनको यूज करते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए, जिससे कि डिजीज रेजिस्टेंस एंड पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स हमें ऑब्टेन हो सके। और ये तीनों मॉलिक्यूलर, जेनेटिक और स्पीशीज डाइवर्सिटी को यूज करके इकोनॉमिकली जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं उनका नंबर बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज होगी और उसके साथ साथ ह्यूमन बेनिफिट्स भी होंगे, क्लियर बच्चों। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम लॉन्ग टर्म लॉन्ग क्वेश्चन में भी करेंगे इसको। इन सीटू एंड एक्स सीटू, इन सीटू एक्स सीटू का डिफरेंस बताना है। नेचुरल जहां पर है वहीं पे अगर किया जाए तो इन सीटू, ठीक है, और स्पेशल एरियाज में किया जाए तो वो क्या हो जाता है? एक्स सीटू। तो ये तो एक डिफरेंस हो गया कि प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज इन नेचुरल हैबिटेट, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स सीटू में? एक्स का मतलब बाहर जाना, ठीक है, तो स्पेशल केयर एरियाज में उनको प्रोटेक्ट करना। फिर आप एग्जाम्पल लिख दीजिए, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, और यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन, जोलॉजिकल पार्क, आप क्रायो प्रिजर्वेशन यहाँ डाल सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस आप मेंशन कर देंगे। हम आगे भी इसको लॉन्ग क्वेश्चंस में भी डिस्कस करेंगे। बायोडायवर्सिटी मस्ट बी कंजर्व्ड एज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स। तो दो ऐसी सर्विसेज के बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो ड्रॉट और फ्लड्स को अगर हम एफोरेस्टेशन करते हैं, एफोरेस्टेशन से क्या होगा, जो सोइल इरोजन की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। सोइल इरोजन कम हो जाएगा तो फ्लड के चांसेस कम हो जाएंगे, वेजिटेशन ज्यादा होगा तो ड्रॉट के चांसेस कम होंगे, क्योंकि वाटर साइकिल ऑपरेट करती रहेगी, राइट। इसी तरह वाइल्ड लाइफ को, मतलब अगर हम इंसेक्ट, स्पेशली मैं एग्जांपल ही बता देता हूं, इंसेक्ट स्पीशीज को अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं, एंड इंसेक्ट्स आर बेस्ट पोलिनेटर्स, तो पोलिनेशन प्रोसेस स्मूथली चलती रहेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं इकोसिस्टम की जो हेल्पफुल होती है कंजर्वेशन के लिए, और इससे हमें भी बेनिफिट होता है। वाई certain regions are declared as biodiversity hotspots by environmentalists. Biodiversity hotspot, hotspot का मतलब होता है areas having rich biodiversity. Areas having rich biodiversity are known as biodiversity hotspots. India में 3 है, Eastern Himalaya, Western Ghats and Indo-Burma region. Clear to everyone? चलिए, तो hotspots of India, Western Ghats, श्रीलंका, Eastern Himalaya and Indo-Burma region. ठीक, okay. Now next question. 4 कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये आपका बहुत बहुत वीवीवीआईपी, मैंने पहले भी बताया था जब हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, एविल क्वार्टेट, 4 दुश्मन हमारे एनवायरनमेंट के, बायोडाइवर्सिटी लॉस के, हैबिटेट लॉस के। अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमने जो उनके नेचुरल हैबिटेट्स थे ऑर्गेनिजम्स के, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, हम सेल्फिश हो गए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कि जहां से जितना मिले नेचर से उतना निचोड़ लो, ज्यादा फ्यूचर का सोचना ही नहीं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। एलियन स्पीशीज, ये नोइंगली या अनोइंगली हुआ, जैसे कैरेट ग्रास को इंट्रोड्यूस किया गया पार्थेनियम, जिसकी वजह से उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। दूसरा था टेरर ऑफ बंगाल। आप में से कितनों को इसका दूसरा नाम पता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इकोर्निया के अलावा भी इसका एक नाम होता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड को एक्सटिंक्शन, 13 मेरा 7 वाला मैंने बताया था, प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म। तो ये 4 मेन रीजन हैं जिसकी वजह से बहुत लॉस हुआ है बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है बच्चा। तो 10 क्वेश्चन अभी तक हमने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, सॉरी, वेयर डेलिब्रेट अटेम्प्ट बाय ह्यूमन हैज लेड टू एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक रीजन पूछ रहा है वो। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। तो हमने ही तो सारे कांड किए हैं अभी तक। बायोडाइवर्सिटी का सत्यानाश किसने किया है? इंसानों ने किया है। तो ये भी एलियन स्पीशीज इन्वेशन का एग्जांपल पूछ रहे हैं। मैंने 3 एग्जांपल बताए थे आपको। पहला देखिए, यहाँ पे नाइल पर्च का, जो कि प्रीडेटर फिश है, उसको विक्टोरिया लेक में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो चिचेड फिश जो थी, जो वहां की नेटिव फिश थी, उस पर उसने फीड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये हो गई एक्सटिंक्ट। और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ? को एक्सटिंक्शन भी हो गया। मतलब एलियन स्पीशीज इन्वेशन में लीड्स टू को एक्सटिंक्शन, कि नाइल पर्च भी, हालांकि एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है, बट यहां पर नाइल पर्च भी, क्योंकि उसको फूड नहीं मिला तो वो भी मर गई, ठीक है ना। तो इसकी वजह से, एलियन स्पीशीज इन्वेशन की वजह से, जो नेटिव स्पीशीज थी उसका भी एक्सटिंक्शन हो गया वहां पर बच्चों। चलिए, व्हाई आर सैक्रेड ग्रूव्स हाईली प्रोटेक्टेड? सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं पहले आपको पता होना चाहिए। एरियाज विच आर प्रोटेक्टेड, एरियाज विच आर प्रोटेक्टेड ड्यू टू एथिकल, या हम कह सकते हैं वर्शिप इश्यूज, उसकी वजह से जिनको प्रोटेक्ट कर दिया गया, दे आर नोन एज सैक्रेड ग्रूव्स। द सैक्रेड ग्रूव्स आर फॉरेस्ट और लैंड एरियाज फ्रैगमेंट्स रीजनरेटेड अराउंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वही बात आ गई, हाईली प्रोटेक्टेड बाय सर्टेन कम्युनिटीज। इसका बेस्ट क्लासिकल एग्जांपल मैंने बताया था राजस्थान में। आप में से कितनों को याद है? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। राजस्थान में बिश्नोई कम्युनिटी, बिश्नोईज, उन्होंने किसकी बैंड बजाई? सलमान खान की। अभी तक कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। क्या किल किया था? चिंकारा। चिंकारा किल करने की वजह से सलमान खान को बिश्नोई कम्युनिटी ने आज तक कोर्ट में घसीटा हुआ है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्यों ये है प्रोटेक्टेड? बिकॉज ये रिलीजियस इंपोर्टेंट के एरियाज हैं उन कम्युनिटीज के लिए। तो ये लोग वहां पे किलिंग, वहां पे पोचिंग, वहां पे कटिंग ऑफ प्लांट्स अलाउ नहीं करते, स्ट्रिक्टली बैन होता है। और ये एक तरह से मेथड है इन सिटू कंजर्वेशन का, जहां पे है वहीं पे प्रोटेक्ट हो गए। उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी मैंने कुछ एरिया बताए थे, महाराष्ट्र, है ना। तो ये सारे आपको रिवाइज करने हैं। चलिए, आप 3 मार्क्स क्वेश्चंस की बात करते हैं। There are many animals that have become extinct in wild but continue to maintain in zoological park. हमने उनका ex situ conservation कर दिया, ठीक है। तो चलिए मैंने पहले आपको आंसर बता दिया। What type of biodiversity conservation observed in this case and explain any other two ways which help in this type of conservation. चलिए आपने माइंड मैकअप कर लिया कैसे आंसर लिखना है इसका। बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर्स होने चाहिए बेटा आपके, बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी इधर उधर। देखिए ex situ कंजर्वेशन हो गया कि स्पेशल एरियाज क्रिएट करके उसको कंजर्व किया गया, इसलिए वो क्या हो गया ex situ कंजर्वेशन कि एज इट इन्वॉल्व्स थ्रेटन्ड एनिमल इन स्पेशल कंडीशन, उनके नेचुरल हैबिटेट के अलावा, जिससे कि उनको प्रोटेक्ट हम कर सके। इसके अलावा और कौन से मेथड होते हैं ex situ कंजर्वेशन के? उसके अलावा होते हैं प्लांट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो बोटेनिकल गार्डन, एनिमल्स के लिए बात करें तो वाइल्ड लाइफ सफारीज होती हैं, उसके अलावा क्रायोप्रिजर्वेशन आप कर सकते हो, सीड बैंक्स होते हैं, जीन बैंक्स होते हैं, ये सारे मेथड्स हैं ex situ कंजर्वेशन के, ठीक है बच्चों। चलिए While Bengal tigers are protected in special settings in zoological park, tiger reserves are maintained in Western Ghats. तो ये दो approaches कैसे एक दूसरे से differ करती हैं, और cryopreservation technique बार बार आ रहा है क्वेश्चन, what is the significance of cryopreservation technique? चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, जब हम बेंगोल टाइगर को स्पेशल सेटिंग्स में zoological park में प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो तो क्या है ex situ, ठीक है। जोलॉजिकल का पार्क में कर रहे हैं तो ex situ कंजर्वेशन है, और जब वेस्टर्न घाट्स में हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज in situ, क्योंकि उसके नेचुरल कंडीशंस में हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ex situ में उसको आर्टिफिशियल एरियाज, स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए, उनके थ्रू उनका प्रोटेक्शन किया गया, लेकिन यहाँ पर हम उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में उसको कंजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो in situ कंजर्वेशन protection of endangered species in their natural habitat, and ex situ placing threatened species in special care unit for their protection. Already हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे एग्जांपल्स हैं इन सिटू कंजर्वेशन के, जबकि बोटेनिकल गार्डन, जोलॉजिकल पार्क, अभी पीछे मैंने बताया क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, जीन बैंक, ये सारे एग्जाम्पल है ex situ कंजर्वेशन के, ठीक है। अब क्रायो प्रिजर्वेशन की इंपोर्टेंस क्या है कि लिक्विड नाइट्रोजन में आप उसको स्टोर करते हो, लिक्विड नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर किया जाता है, जिससे कि जो थ्रेटेंड स्पीशीज है, नियर एक्सटिंक्शन स्पीशीज है, उनको वाइबल और फर्टाइल कंडीशन में लॉन्ग टाइम तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एग्स को इनविट्रो फर्टिलाइज किया जा सकता है, और प्लांट्स का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू। तो ये तरीका हो गया, ये इसके एप्लीकेशन हो गए क्रायो प्रिजर्वेशन के। तो इन सिटू, ex situ क्रायो प्रिजर्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसमें क्वेश्चन आते ही हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, एलियन स्पीशीज आर हाईली इन्वेसिव एंड आर अ थ्रेट टू इंडिजिनस स्पीशीज, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद एनी थ्री एग्जांपल। मैंने एनसीईआरटी के तीनों एग्जांपल आपको दिए थे, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए वो तीनों एग्जांपल्स क्या थे। अभी भी मैंने पीछे दो बताए हैं, प्लीज आप फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। देखिए, नाइल पर्च लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि किस पे फीड करता था, सिचिड फिश पे, जिसकी वजह से ये फिश हो गई एक्सटिंक्ट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई, ये तो एलियन स्पीशीज इन्वेशन हो गया कि एक की वजह से दूसरा खत्म हो गया, लेकिन जब नाइल पर्च जो कि इस फिश पे फीड करती थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, तो उसको भी फूड नहीं मिला और इसकी वजह से इसकी भी डेथ हो गई। क्लियर? चलिए, दूसरा एनवायरमेंटल डैमेज एंड कॉज एंड थ्रेट कॉज टू आवर नेटिव स्पीशीज। दूसरा एग्जाम्पल कैरेट ग्रास, अभी अभी मैंने बताया था पार्थेनियम, इंडिया में जो इंडिजिनस प्लांट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेंटाना एंड वाटर हाइसिंथ, मैंने इसका नाम पूछा था आपसे। दूसरा इकोर्निया के अलावा अभी भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बेंगोल। तो तीन नाम कोई सा भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इकोर्निया, वाटर हाइसिंथ एंड टेरर ऑफ बेंगोल एक ही बात होती है। तो जो इलीगल इंट्रोडक्शन है अफ्रीकन कैटफिश का, क्लेरियस का, एक्वा कल्चर प्रोसेस के लिए, उसकी वजह से जो इंडिजिनस, वहां की जो नेटिव स्पीशीज है कैटफिशेस की, उनके लिए थ्रेट हो गया है। तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में सोचें, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की वजह से हम स्पीशीज का एक्सटिंक्शन कॉज ना करते या उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ना हो जाए बच्चों। ये सब ध्यान देने की बातें हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये नॉर्मली पॉइंट्स में आते हैं, पार्ट्स में आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। व्हाइल देयर इज अ नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, नेम एंड एक्सप्लेन एनी टू वेज दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे आप अपने वो जो फेवरेट आपका है एविल क्वार्टेट, वहां से कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप खुद सोच के देखिए कि नेचर से आपको क्या क्या मिल रहा है, और अगर ये कंजर्व नहीं होगा तो हमें क्या नहीं मिलेगा, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा बच्चे। चलिए देखते हैं। देखिए दो तरह के यूजेस होते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन ये भी जरूरत होती है। देखिए फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूँ आपके लिए तो तीन इंपॉर्टेंट एफ क्या है, फायरवुड, दूसरा फूड, और तीसरा प्लांट्स को सॉरी एनिमल्स को फोडर मिलता है, ठीक है। बहुत सारे मेडिसिनल इंपोर्टेंस है, ड्रग्स मिलती हैं, है ना, मेडिसिन मिलती हैं, ये फायदा हो गया। बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ गम्स, रेजिन्स, टेनिन्स, ये सारे मिलते हैं। तो ये तो होते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ब्रॉड टर्म प्रोडक्ट्स की बात करें, ब्रॉड टर्म बेनिफिट्स की बात करें तो जो अमेजन फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट इज नोन एज लंग्स ऑफ द प्लेनेट, और जो 20% ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं हमारे नेचर में, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इज फिक्स्ड बाय दिस अमेजन फॉरेस्ट, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। और तीसरा एथिकल रीजंस कि हर स्पीशीज अपने आप में यूनिक है, ठीक है। तो हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि बायोलॉजिकल लीगेसी को हमारे फ्यूचर जनरेशन में हम ट्रांसफर करें, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएं, जिससे ब्रॉड टर्म्स में हम वो जो सारे रिसोर्सेज हैं अपने फ्यूचर जनरेशन को पास कर सके, ठीक है। तो अब आप देखिए दो वेज मैंने बताए थे प्रिजर्वेशन के, सॉरी कॉजेज बताए थे बायोडाइवर्सिटी लॉस के। मैंने कहा था एविल क्वाड्रेंट में से आप दो ले सकते हैं। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ये मेन रीजन है कि हमने अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए, इनके इस रीजन के लिए हमने डिग्रेड कर दिया पूरे सराउंडिंग नेचर को, और खुद की सर्वाइवल के लिए भी हमने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। और को एक्सटिंक्शन कि जब एक होस्ट ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होगी तो जो पैरासिटिक स्पीशीज है, जो प्रे है, जो प्रीडेटर है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये को एक्सटिंक्शन इज अनदर एग्जांपल। इसमें प्लांट पोलिनेटर मैंने बार बार बताया, ठीक है। कैटफिश और चिचिड फिश का एग्जांपल आपने देखा ऑलरेडी। तो ये दो मेन रीजंस हैं, इसके अलावा दो और रीजंस हैं वो आपको पता ही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और चौथा क्या है वो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सप्लेन गिविंग रीजंस व्हाई देयर इज अ ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये बताया था मैंने आपको। इक्वेटर पोल के साथ साथ मैंने बताया था ट्रॉपिकल में क्या क्या होता है, रिवाइंड कीजिए, कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ। देखिए ये किसका एक्सपेरिमेंट था, वॉन हम्बर्ड, उन्होंने ये कहा था, हम्बर्ड साहब ने ये कहा कि भाई अगर कोई नया हैबिटेट है तो जो स्पीशीज इसमें से ड्रास्टिकली इंप्रूव करती है, बट अप टू ए लिमिट, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद वो चीजें लिमिटेड हो जाती हैं, ठीक है। कैसे लिखोगे आप इसको, देखिए वॉन हम्बर्ड साहब ने ऑब्जर्व किया कि स्पीशीज और एरिया का रिलेशनशिप देखा जाए, तो उन्होंने कहा कि एरिया एक्सप्लोर्ड है जो उसको इंक्रीज करेंगे तो स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होगी, बट अप टू ए लिमिट। और इसके लिए क्या आता है, जो ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो हाइपरबोला, रेक्टिलिनियर हाइपरबोला ग्राफ ऑब्टेन होता है, ठीक है। इक्वेशन आपको याद रखनी है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। S इज इक्वल टू C A Z, S इज स्पीशीज रिचनेस, A इज एरिया, C इज कांस्टेंट एंड Z इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कांस्टेंट फॉर द इक्वेशन, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है लॉगरिथमिक फॉर्म, log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A। नॉर्मली मोस्टली केसेस में 0.2 से 0.6 की वैल्यू आती है, लेकिन लार्ज कॉन्टिनेंट को, अगर पूरे कॉन्टिनेंट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 1.2 से 1.6 तक, ठीक है, रिग्रेशन कांस्टेंट की या रिग्रेशन कोफिशिएंट की। बच्चों अब तीन डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से स्पीशीज रिचनेस ज्यादा मिलती है, ज्यादा पाई जाती है। पहला तो मैंने बताया था आपको कि जो लैटिट्यूड्स है ट्रॉपिकल एरियाज में वहां पे कांस्टेंट सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है, कि अगर उसकी आप पोजीशन देखोगे, ये पोजीशन है तो ये यहाँ पे जो सनलाइट है इट इज अवेलेबल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, तो कॉन्स्टेंट सनलाइट अवेलेबल है, और जब कॉन्स्टेंट सनलाइट अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर तो सीजनल वेरिएशंस भी कम हो जाते हैं। सीजनल वेरिएशंस कम हो जाएंगे तो अडेप्टेशंस कम होंगे, तो ऑर्गेनिज्म इजिली अपने आप को सर्वाइव करवा पाएगा। ठीक है, तो सोलर जो एनर्जी है वो रेगुलरली अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो स्पीशीज डाइवर्सिटी अपने आप बढ़ जाती है। दोनों आप कह सकते हैं इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। लेस सीजनल वेरिएशन, मैंने अभी बताया आपको कि कंडीशन कांस्टेंट रहती हैं जिसकी वजह से वेरिएशंस नहीं आ गई तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ जाती है। और जो ड्रास्टिक कंडीशंस हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे ग्लेशिएशन जैसे जो आइस एज के टाइम पे हुआ, ये सारी चीजें टेम्परेट रीजन्स में हुई, ना कि ट्रॉपिकल एरियाज में, तो जिसकी वजह से ये जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं ऑलमोस्ट अनडिस्टर्ब रहे, और जब अनडिस्टर्ब रहेगा तो कंटिन्यूसली वहां पे स्पीशीज का नंबर बढ़ता रहा, स्पीशीज की डाइवर्सिटी बढ़ती रही, और हम कह सकते हैं स्पीशीज रिचनेस हाई होती चली गई। तो ये तीन रीजन की वजह से ट्रॉपिकल एरियाज में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। क्लियर बच्चों? तो ये हमने लगभग 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, सारे के सारे पीवाईक्यूज की हमने बात कर ली। ऑलरेडी मैं आपको वन शॉट वीडियो थ्योरेटिकल पार्ट का दे चुका हूं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, वो कहते हैं ना मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिस ईयर। मैंने सिर्फ 3 दिन मांगे बेटा आपसे, एक क्वेश्चन के लिए 3 दिन मांगे हैं, और 3 दिन में कितना टाइम, हार्डली 30 मिनट्स। ठीक, 30 मिनट्स में आपने वन शॉट कर लिया, 30 मिनट्स में आपने पीवाईक्यूज कर लिए, और 30 मिनट्स में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक, तो और 13 चैप्टर्स आते हैं, तो 40 डेज में मैक्सिमम आपका सिलेबस, सिर्फ सिलेबस ऐसे नहीं कि आपने थ्योरी पार्ट कर लिया, आपका थ्योरी पार्ट भी हो गया, आपने पीवाईक्यूज भी कर लिया, आपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कर लिए, उसके बाद सिर्फ मैं आपसे एक वीक और लूंगा। उसमें क्या करेंगे हम, आपका जब एग्जाम होगा उसमें आपके देखिए कितना लंबा गैप है, तो उसमें हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज टेस्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट वाइज टेस्ट हो जाएंगे, 5 टेस्ट हो गए, उसके बाद फुल सिलेबस प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। तो अगर हम 3 से 5 और पेपर कर लेंगे तो 10 दिन है हमारे पास। आप सोच के देखिए, कोई चांस बचेगा आपका, कोई नंबर काट पाएगा आपका, 95+ से कोई रोक पाएगा आपको? बल्कि मैं तो कहूंगा 95+ नहीं, 99, 900 की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो मैं कह रहा हूं बेटा आप उसको फॉलो कीजिए, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी कंफ्यूजन आता है, तो मैं हमेशा क्या कहता हूं आपको, यहाँ पे बायोनीति पे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए, कोई भी समस्या आती है। बायोनीति के टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा डिस्कशन हो सकता है, वहां पे भी पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं, वहां पे भी आपको सैंपल पेपर मिल जाएंगे, लेकिन डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, कीप स्टडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में विद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 23-24 CBSE board exams. Till then, keep studying. Good luck.